गणेशोत्सव का आखिरी दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को देश भर में धूमधाम के साथ विदा किया गया। नम आंखों से अपने आराध्य गणेश को विसर्जित किया गया। वहीं प्रदेश भर गणेश उत्सव के रंग में सराबोर नजर आया। मध्य प्रदेश त्योहारों का प्रदेश है, यहाँ सारे त्योहार पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। तो भला प्रदेश के मुखिया कैसे पीछे रहते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बदबदा घाट पहुंचकर परिवार के साथ गणपति बप्पा को विदा किया। इस दौरान सीएम हाउस से लेकर घाट तक गाजे बाजू, संगीत, फूलों की बारिश और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों ने समा बांध दिया। इस दौरान शिवपुत्र कार्तिकेय ने गणेश के लिए भजन गाए, साथ ही साधना सिंह ने कार्तिकेय के साथ सुर में सुर मिलाए। विसर्जन के पहले मुख्यमंत्री ने घाट पर ही भगवान गणेश की सपरिवार आरती की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि 10 दिन बाद बप्पा विदा हुए हैं, जिससे मन भारी है, लेकिन भगवान गणेश सदैव हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए बप्पा को विदा किया। गणपति भगवान की हमने पूजा की, पूरा प्रदेश श्रद्धा और भक्ति भाव में डूबा रहा और 10 दिन बाद आज मन भारी है, क्योंकि गणपति भगवान को विदाई दी है। लेकिन प्रार्थना यही है कि वो सदैव हमारे साथ रहें। यही प्रार्थना करता हूँ गणपति भगवान से, मेरी 7.5 करोड़ जनता सुखी हो, सबके जीवन में मंगल हो, आनंद हो, सब निरोग हो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक सफल और सार्थक जीवन जिए। सीएम ने अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों की उन्नति, स्वास्थ्य और आनंदमय जीवन की प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।